स्टूडेंट्स, बच्चों, आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कल जो टॉपिक हमने ख़त्म किया था, ग्रिफिथ इफेक्ट और ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, उसके बाद का ही टॉपिक है बच्चों, हर्से चेस एक्सपेरिमेंट फॉर द डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये भी उसी के लिए बच्चों कि जेनेटिक मटेरियल एक्चुअली क्या है, आइदर इट इज डीएनए, प्रोटीन और आरएनए। तो हर्से और चेज ने 1952 में एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने चूज किया बैक्टीरियोफेज T2, एक वायरस है बच्चों। क्या है वायरस का नाम? बैक्टीरियोफेज T2। बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, और बैक्टीरियोफेज T2 ई कोलाई को इन्फेक्ट करता है बच्चों, क्योंकि वायरस है तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा उसमें दो मेन कंपोनेंट होते हैं, दो मेन स्ट्रक्चर है बच्चों इसमें। बाहर जो कोट है, कैप्सिड है, वो प्रोटीन का बना होता है बच्चों। और प्रोटीन में क्या क्या होता है? तो प्रोटीन किससे मिलके बनता है? तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। वायरस का जो कोर होता है, बैक्टीरियोफेज वायरस का जो कोर होता है वो डीएनए का बना होता है बच्चों। और डीएनए में क्या होगा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सिमिलर टू द प्रोटीन। लेकिन वहां पर सल्फर है और यहां पे सल्फर की जगह फॉस्फोरस होता है बच्चों। तो प्रोटीन में क्या अलग होता है? प्रोटीन में सल्फर अलग है, और डीएनए में क्या अलग है? डीएनए में फॉस्फोरस अलग है। अभी वायरस का तो बहुत बड़ा नाम चल रहा है बच्चों, COVID-19, वो भी वायरस है, लेकिन उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए का बना होता है बच्चों। और सबसे लॉन्गेस्ट जेनेटिक मटेरियल एज आरएनए ये कोरोना में होता है बच्चों। कोविड का जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए का, और लार्जेस्ट जेनेटिक मटेरियल मेड अप ऑफ आरएनए। तो अब हर्सी और चेस के एक्सपेरिमेंट को देखते हैं बच्चों। आइए बच्चों, ये है बैक्टीरियोफेज T2, कैप्सिड प्रोटीन का बना है, CHON, और सल्फर है इस पर। कोर डीएनए का बना है, CHON और फॉस्फोरस है। कैप्सिड में बच्चों सल्फर है और कोर में फॉस्फोरस है। तो हर्सिया और चेस ने क्या किया, एक कल्चर मीडिया लिया और उस कल्चर मीडिया में रेडियो एक्टिव सल्फर डाल दिया, S-35, और उसमें इस बैक्टीरियोफेज T2 को भी डाल दिया। तो इस कल्चर मीडिया में क्या क्या है? तो बैक्टीरिया है, ईकोलाई है, S-35 है, सल्फर है, रेडियो एक्टिव सल्फर है, और बैक्टीरियोफेज T2 है। दूसरे कल्चर मीडिया में भी कल्चर मीडिया है जिसमें फॉस्फोरस 32, रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस है बच्चों ये, और ई कोलाई और बैक्टीरियोफेज। तो इस कल्चर मीडिया में बच्चों क्या होगा कि जो बैक्टीरियल डीएनए है वो रेडियो एक्टिव नहीं बनेगा, क्योंकि डीएनए में क्या नहीं होता है? सल्फर नहीं होता है। लेकिन सल्फर किस में था? तो सल्फर प्रोटीन में था। तो ये जो वायरस है इसका जो कैप्सिड है जिसमें प्रोटीन है वो रेडियो एक्टिव बन जाएगा बच्चों। क्या बन जाएगा? ये रेडियो एक्टिव बन जाएगा। तो बैक्टीरियोफेज विद रेडियो एक्टिव सल्फर कोट।
जो बैक्टीरियोफेज है जिसको आपने S35 मीडिया में डाला था, उसने बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया, मल्टीप्लाई किया और बहुत सारे बैक्टीरियोफेज बन गए जिनमें क्या था, सल्फर कोट था और सल्फर प्रोटीन था, रेडियो एक्टिव सल्फर कोट था। इसी तरह से अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे रेडियो एक्टिव P32 है और फॉस्फोरस किस में होता है, DNA में होता है। ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, उसके अंदर मल्टीप्लाई करेगा और आप क्या मिल जाएंगे मल्टीप्लाई होने के बाद, बैक्टीरियोफेज विद रेडियो एक्टिव DNA। तो अब आपके पास बच्चों दो प्रकार के रेडियो एक्टिव वायरस आ गए। एक वायरस का कैप्सिड रेडियो एक्टिव है जिसमें S35 है और दूसरे वायरस का DNA रेडियो एक्टिव है जिसमें P32 है। इसके बाद उन्होंने क्या किया बच्चों कि बैक्टीरियोफेज विद रेडियोएक्टिव प्रोटीन कोट से इन्फेक्ट करवाया बैक्टीरिया ई कोलाई को। उनको ये देखना था कि बैक्टीरिया के अंदर कोट इंटर करता है या कोर इंटर करता है। सेकेंड उन्होंने क्या किया, फर्स्ट स्टेज था इन्फेक्शन, सेकेंड था ब्लेंडिंग और थर्ड था सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन से उनको क्या मिला बच्चों, जब उन्होंने सेंट्रीफ्यूज किया तो दो यहाँ पे फ्रैक्शन मिले, एक था सुपरनेटेंट जो ऊपर तैर रहा था और दूसरा जो हैवी था वो था सेल्फ फ्रैक्शन। जब आप ब्लेंड करोगे तो कोट अलग हो जाएगा बच्चों, कोट क्योंकि लाइटर है हल्का है तो ये सुपरनेटेंट में रहेगा और सेल जो ई कोलाई का सेल है वो हैवी है तो कहाँ जाएगा बच्चों, सेल्फ फ्रैक्शन में रहेगा। जब इस सुपरनेटेंट को देखा गया तो इसमें रेडियोएक्टिव S35 पाया गया और जो सेल्फ फ्रैक्शन था उसमें कोई भी रेडियोएक्टिविटी नहीं पाई गई। इससे क्लियर हो गया कि कैप्सिड बैक्टीरिया के अंदर इंटर नहीं किया, इंटर किया DNA जो कि नॉन रेडियोएक्टिव था। इसलिए सेल कैसे बनी, ये नॉन रेडियोएक्टिव सेल बनी और ये जो भी बैक्टीरियोफेज बनाएगा वो सारे के सारे नॉन रेडियोएक्टिव होंगे। क्यों, क्योंकि इसका DNA नॉन रेडियोएक्टिव है। सेकंड में बच्चों, बैक्टीरियोफेज विद रेडियोएक्टिव DNA उस बैक्टीरियोफेज से ई कोलाई को इन्फेक्ट कराया, इन्फेक्शन होने के बाद वापस ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो इसमें भी आपको दो फ्रैक्शन मिले, एक जो ऊपर तैर रहा था लाइटर था दैट इज सुपरनेटेंट और दूसरा जो सेल फ्रैक्शन था जो हैवी था सेल फ्रैक्शन वो नीचे बैठ गया। तो जब उसको देखा गया तो सेल फ्रैक्शन में रेडियो एक्टिविटी मिली बच्चों। क्यों, क्योंकि यहां पर जो DNA है उसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था। तो ई कोलाई का जो जेनेटिक मटेरियल था वो कैसा बन गया, रेडियो एक्टिव बन गया। किससे, बैक्टीरियोफेज। बाद में जब इनको मल्टीप्लाई होने दिया गया, ई कोलाई ने जनरेट किया, नए क्रॉप बनाए इसने वायरसेस की, तो वो सारे वायरस रेडियो एक्टिव मिले। इससे साफ हो गया, क्लियर हो गया कि जेनेटिक मटेरियल DNA है, प्रोटीन नहीं है। प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता तो यहाँ पे ये रेडियो एक्टिव मिलता और इसकी जो प्रोजेनी है वो भी रेडियो एक्टिव मिलती। DNA जेनेटिक मटेरियल है क्योंकि इसका जो जेनेटिक मटेरियल था वो रेडियोएक्टिव बन गया और इससे बनने वाले जितने सारे वायरसेस थे जो मल्टीप्लाई करके बनेंगे उन सब वो सारे के सारे रेडियोएक्टिव थे। तो हर्षे और चेज के एक्सपेरिमेंट से क्लियर हो गया कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, DNA है, क्या नहीं है, प्रोटीन नहीं है। थैंक यू वेरी मच।